क्यों सुबह से इनकी सकाफत का डे मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पीपल्स बस सर्विस है वो भी सिंधी कल्चर के रंग में जो है वो रंगी हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त भी हम टावर पर मौजूद हैं जहाँ देख रहे हैं कि पीपल्स बस सर्विस यहाँ पर मौजूद है। मुसाफिर भी पीपल्स के इंतजार में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो बस की क्या सूरत हाल है अंदर चल के देखते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर के भी कितना अच्छे भरपूर तरीके से वो कल्चर डे को मना रहे, इंजॉय कर रहे हैं। आइए हमारे साथ ये देख सकते हैं कि एंट्रेंस पर ही यहाँ पे कंडक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने अच्छी तरह से मना रहे हैं सकाफत के दिन मना रहे हैं आज आप। आज कल्चर डे है ना सिंध का, तो ये टोपी अजरक हमें गाड़ी वाले ने दी है बिलावल भाई की तरफ से। जबरदस्त आइडिया है कि जो पीपल्स बस सर्विस है सुबह सिंध का तोहफा है कराची के मुसाफिरों के लिए, तो उसको भी इन्होंने कल्चर डे के हवाले से जो है वो उसी रंग में रंग दिया गया। जो ड्राइवर है जो कंडक्टर है देख सकते हैं कि ड्राइवर भी सीट पर जो है वो भरपूर तरीके से सिंधी कल्चर डे को एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। सिंधी टोपी लगा रखी है इन्होंने और मखसूस अजरक भी पहन रखी है। ये हमारा सिंधी सकाफत का आज दिन है, टोपी अजरक का दिन है, सो हम लोगों मना रहे हैं। अपने सर के ऊपर ताज रखा हुआ है, टोपी अजरक पहना हुआ है। तो सारे जितने भी पीपल्स बस में जितने भी कंडक्टर ड्राइवर है, R9 के हों चाहे R3 के हों R2 के हों, सारी जितने भी पीपल्स बस कराची में चल रही हैं, तो सारों को आज टोपी अजरक दिया हुआ है। आप पीपल्स बस सर्विस में हमारी ड्राइवर से और कंडक्टर से बात हुई, उनका कहना था कि भरपूर तरीके से वो अपनी सकाफत का दिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने आप को भी सिंधी कल्चर डे के हवाले से जो है वो अपने आप को ढाल रखा है, ना सिर्फ सिंधी टोपियाँ लगा रखी है बल्कि सिंधी मखसूस अजरक भी पहन रखी है, जो इस रूट पर चलने वाले लोगों के लिए यकीनन एक हैरान कुन तब्दीली साबित हो रही है और देखने वाले को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है।